गाइस, वेलकम टू द रीडायरेक्ट रिलीव। आई एम योर होस्ट डॉक्टर प्रियंका मोहन और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंगल इन्फेक्शन के बारे में। एक्चुअली रिसेंटली हमने एक सर्वे कंडक्ट किया था जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे और बहुत सारे केमिस्ट भी इन्वॉल्व थे। तो ये देखा गया उस सर्वे से कि बहुत सारे लोग फंगल इन्फेक्शन से सफर हो रहे हैं और बहुत सारे लोग केमिस्ट के पास आ रहे हैं ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने के लिए। और बहुत सारे लोग जो इसके बारे में बात नहीं कर सकते कि अशेम और वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं या अपनी फैमिली में ये चीज़ नहीं बताते और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो इन्फेक्शन फैल जाता है और उसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में जानेंगे कि उसके कॉजेस क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है और उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। उसके साथ जहाँ पे भी आपको पसीना आ रहा है
हम ये बात ध्यान रखें कि वो जगह हमेशा ड्राई है, इसलिए अगर आप कॉटन के कपड़े यूज करते हो तो वो बहुत बेटर है। अगर ड्रॉइंग्स की तरफ हमें फंगल इन्फेक्शन हुआ तो याद रखना कि आप जीन्स कम से कम पहने या फिर आप बहुत लूज कपड़े पहने जिससे हवा अंदर आती जाती रहे। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी फंगल इन्फेक्टेड पार्ट है उसको डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोजर मिले। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हिडन प्लेसेस पे फंगल इन्फेक्शन होता है, इसलिए बहुत लोग डॉक्टर के पास भी नहीं जाते उनको बिकॉज दे आर टू मच अशेम्ड। तो ऐसे में वो फंगल इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए कोई कहीं पर भी आपको थोड़ा भी लगे कि आपको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाए और जो भी उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स बताए आप जरूर ट्राई करें। आई होप गाइस आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फंगल इन्फेक्शन है लेकिन वो अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं अपने फ्रेंड्स या फैमिली से बात करने के लिए या डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो आपने करके देखनी चाहिए और अगर आपको ये यूजफुल लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट नीचे ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई पता है जो है फंगल इन्फेक्शन से सफर हो रहा तो आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर। और अगर आपने अब तक हमारा ये प्लानर परचेस नहीं किया है जो है डेली प्लानर एंड राइटिंग जर्नल तो ज़रूर परचेस कीजिए, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं लोगों।